पता लग गया कहां गए, कोई अस्पताल में सिड़की मरिया, कोई घरी सिड़की मरिया, कोई किसी तरह मर गया, कोई गोली तो मारिया गया, और किसी का सिर कटवा दिया, किसी का किमे कर दिया। इसलिए आज की शांति मिलती है कि कुछ न कुछ धोखा था, समझ गए, कुछ न कुछ ऐब था। इसलिए मैं आप लोगों एक असली बताता हूं कि छोटा रहे, कितना छोटा रहे, दीवा छोटा हो से तो सारे चांदना करता, बड़ा करती अंधेरा कर देता। छोटे बच्चों सब गोदी में ठा लेते, बड़े बूढ़िया ने कोई ठावे से गोदी में, बताइए कोई कौन ठावे न। इसीलिए छोटा सा हो कि रहना जगत में तजदे ने गर्भ गुमाना। गीसा साहब महाराज की बाणी से गीसा साहब परम संत थे, इसलिए मैं कहता हूं। तो इसलिए प्रेमियों सत्संगियों के जितना हम छोटा बन की रहेंगे तो तिर जावेंगे, और बड़ा बनी अहंकार आ गया तो मारे गए। मे संतों का मार्ग बड़ा टेढ़ा मेढ़ा से। मैं अपनी बात भी कह देता, एक बार मेरे महाराज के पास में चला गया, मैंने कहा कि महाराज जी वो कहने लगे क्या बात है, मेरे को पगला कहा करते थे, क्या बात है पगला। उनका महाराज ये आपकी दया से मैं एक बात कहूं कि इस इन भाइयों को भी नामदान का आर्डर दे दे, इन भाइयों को नामदान का आर्डर, ये नाम देने लग जाए। न बोला रे मूर्ख तन पता नहीं है, नामदान तो जिसका हक होता वो ही देता है। मन का मेरा मान लो बाबा जी उरे एक यू आया शाम सुंदर, जो कितने गुरु बना गया, बोले आगे चले जिद बताना, बनावटी बातें नहीं चलती, पगला सोच ले, दो बातें याद रखना, गुरु करनी का धनी आता है, और जो अपनी गुरु की जगह को पाड़ करके न्यारा चलता वो गिर जाता आगे जाके। ने सुना नहीं स्वामी जी महाराज कहते सार वचन में कि गुरमुख हो सो आगे पंथ चलावे, गुरमुख की गति है बड़ी भारी, गुरमुख कोटि न जीव उभारी, के गुरमुख होता है सो कर सकता, इसलिए गुरमुख बन के रहना चाहिए। बट मैंने ज्यादा कया कई गुरु बन गए, और उन गुरुओं ने मेरे साथ भी विरोध करना शुरू कर दिया। मैंने सोचा क्या बात है, महाराज जी चले गए, मड़ उन्हें किताब छपवाई, वह किताब लेकिन आया, मैं बोला इनके नाम नहीं लिखे ने, बोला तू तो डूब गया, मैं नहीं डूबन दूंगा, ये मेरे गुरु का वचन से। इसलिए मेरा सतगुरु शहनशाह के शहनशाह थे, तू डूब गया मैं नहीं डूबने दूंगा तेरे को, के इनके नाम लिख दिए तो मारा जागा, तो टिकट दिए आश्रम बनाया। मैंने कहा अगर आप कह दो तो मैं अरमान आश्रम, बोला खबा तो तय करी, और डेरा अरमान आश्रम तड़के कब्जा कर बैठे, खागड़ छुटवा दिए। कही मन महाराज पर गुस्सा है, क्यों कहते ऐसी बातें। फिर ये बातें हुई, जब मेरा भी विरोध करया मेरे सत्संगियों ने, मन आज मेरे सर में कीड़े पड़ा, अगर मैं सब आवर बैठ के झूठ मनुन तो विरोध कोई कराया कदे, मैं वो सच्चा मानस हूं सच्ची कहनिया। उन विरोध करा मन नहीं करा कदे विरोध, उनके द्वार पर कुत्ते ही डाल जा खड़ा होया करा कैबर, मड़ वो पाप उन खा गया पिया। इसीलिए कहता हूं कि जो सतगुरु ते को रूस जा और उसका दौरे सतगुरु जाता है तो क्या उसके कर्म लेने पड़ते हैं, इसीलिए उसके कर्म लेने पड़ते हैं, तो उस दुष्ट के पास जाना नहीं चाहिए कभी भी। मन संत सतगुरु होते हैं तो डटा भी नहीं जाता, वह दयालु होते हैं, इले दयालु होते दया करते, क्या होया फिर कुछ भी ना होया, नहीं कहां वे डेरे गए, कहां वे गए अपना रोजगार बना के चले गए। मन तो अपना रोजगार नहीं बनाया ने, बेधड़क बातें कहता हूं, न रोजगार बनाया, न मैं कोई मेरी जाजाच बनाई, न मैं कोई मेरा शरीर बनाया, मैं तो न टेम देखता न मौका देखता, और थारा के दामन पर आओ दामन पैर की नाच लेता हूं, सलवार पर सलवार पैर की नाच लू, किसी तरह कहो उसी तरह धूप से गिर गिर हो लेता हूं। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि मैं सीधा साधा मानस, उनकी दया थी सतगुरु की, उन्हें बड़ी भारी दया करी। तो ये स्वामी जी महाराज छोटा होया मैं छोटा रहा, महाराज में सब संतों के द्वार का दास महाराज शोरलाल के शिष्य मेरे साथी उरे बैठे होंगे काफी 25 मानते, जाके बात करी वह बातें मैं नहीं कह सकता जो उन्हें कही थी बातें। अगर वो बातें को तुम अहंकार समझोगे वो बातें बनती दिख रही से। उन्हें कहा तू क्या क्या करना आया से, मैंने कहा मैं दर्शन करना, भला हो गए दर्शन मैं आपके उड़े कर लिए थे।
और जाइए अपना काम करिए। अपने बेटे थानेदार ने बोला उरा बोला इन चरणों में गति होगी। अब और कहा कि वह भी आएंगे वह भी आएंगे वह भी मैं नहीं कहता। कबीर साहब कहता आकाशवाणी का, और एक बात मेरी याद रखना मैं बताओ महाराज कि मेरी बात को याद रखना कि छोटा बन के रहना। गुरु ने बनना है सत्संगों में कभी गुरु का ख्याल ही नहीं करया ने। मैं तो मेरे गुरु की ड्यूटी बजाता अरमान साहब की और उनका हुक्म तय करता हूँ नाम देता हूँ तो उनका हुक्म तय। फकीर ने आर्डर दिया लिख के ने मेरे गुरु ने जबानी दिया था। फकीर ने लिख के दिया लेख मेरे पास में लिखा था कि तू जिसको नाम दे देगा वो नरक में नहीं जागा कभी भी और तेरे भंडार में कमी नहीं आएगी कभी भी। तेरी एक चीज उठेगी तो 17 आएंगी और तेरी एक रति भर बुराई करेगा उसकी 17 रति भर बुराई हो जाएगी आप ही आप उसका सर्वनाश हो जाएगा। अपना काम करता रहिए। उन काफी लिख के दिया। मैंने कहा ठीक है आपकी मर्जी है। बोला मेरी मेरा वचन से इले मैं तो न गुरु हूं न पीर हूं मैं तो थारा सबका एक सेवक हूं और सेवकाई की ड्यूटी बजाता हूं। सेवक ही बनकी राख ले मालिक तो अच्छा बड़ा बनार मार खाई इसलिए छोटा बनकी रहना आगे के कहते हैं। शब्द बिना सारा जगंदा बिन सतगुरु सब भरम। आप कितनी बातें कही स्वामी जी महाराज के शब्द बिन सारा जग अंधा। क्या मैंने भाई जयकरण बैठा मुन बाप की ढाल मान्या करू सू वो बैठा इसलिए मेरी याद आ गई बात के शब्द बिन सारा जग अंधा बिन सतगुरु सब भरम भाई और बिना सतगुरु बिन भरम न जाई। स्वामी जी नहीं कहा कि मेरे बात याद है बताओ। स्वामी जी ने कहा शब्द कमाव सो गुरु पूरा उन चरणन की हो जा धूरा और पहचान करो मत कोई लक्ष अलक्ष ने देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे शब्द कमाओ तन मन से के शब्द का भेद लेके तन मन से शब्द कमाओ। कौन सा शब्द कमाओगे? शब्द 10 हैं 9 काल के हैं। अगर उन शब्द भेदी सतगुरु नहीं मिला तो 8-9 शब्द काल के हम फंस के मर जाओगे लकड़ो नहीं गेने। और रिद्धिया सिद्धिया करामात भी नहीं है। क्यों? करामात किन को आती है वो भी सदाचार रखना पड़ता है। जो कितना प्राणायाम कर ले कितने सांस रोक ले कितने चढ़ा ले अगर वो भ्रष्टाचारी है विषय बेकारी है तो गिर जाएगा उसके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं। जो शांत पर सती का और चले भेड़ की चाल है बाणा पर शेर का चले भेड़ की चाल बोली बोले शाड़किर कुत्ता ली ना पाड़ी के कुत्ता ने पाड़ लिया हो फिर। इसीलिए योग अभ्यास एक वह चीज है के वह सतखंड ताग ले जाती गात्री भी सतखंड ताग ले जाती है। इसीलिए अभ्यास करना पहला है। मैं नेम बता दिया था आप लोगों ने वो नेम ही काम करता है। और एक मिनट भी हम कुछ खा लिया गड़बड़ तो भी हरकत पड़ जाती है। तो मैं शब्द बिना सारा जग अंधा और शब्द बिना कटन काल का फंदा समझ गए। शब्द बिना कटन काल का फंदा और शब्द कमाई करके ने फिर आगे चला जा कठे चला जा उस जगह पर के करोड़ों सूर्यों का प्रकाश है उस जगह पर के बड़ा भारी आनंद से उस जगह पर गुरु चेला दोनों एकम एक हो जाते और 9 शब्द पीछे रह जाते 10वां शब्द मिल जाता। मैं बताऊं था मैं दुर्जन पर एक प्रेमी था उसको इतनी इज्जत करा बड़ा भारी अच्छा मान समझा करता। और मैंने जब नाम लिया था मारतर वो गुरु बन रहा था। जब वो मेरे को रास्ता मिल गया दिन कहने लगा कि भगत ठहरिए महा सुनाओ मां बड़ी कोई बात करा। बोला मैं एक बात पूछना चाहता हूं पूछिए। बोला ये बताइए शब्द का रूप कैसा है? अब वो तो गुरु बन गया मैं तो थोड़े दिन नाम ली हो गए थे मैं घबरा गया। मैं सोचा अब क्या करूं मेरे दौरे एक दो मानस और भी था। अब मान बड़ाई का कीड़ा मन ने भी खा गया। मन सोचा जब तू कि मैं बता तो जानता है कौन इन तनबेरा से कौन शब्दों का कौन सा शब्द से तू के बता नहीं बता तेरी बेइज्जती होगी। न्यू करे तू न्यू भगत बढ़िया फिर से मां अपनी युक्ति ले काढ़ी। मन कहा शब्द 10 प्रकार के तो कौन सा शब्द का रंग पूछना चाहता है?
सत्का होके अनु बोला फिर बात करांगे। वहां इतना तो फरमट हो जाएगा बच्चू जाना, इतना तो मैं ठीक हो जाएगा। कदे जानदान में महाराज से बात करी, महाराज डंडा दिखाया बोला अभ्यास कर, बताऊ नहीं गाने बता दिया तो कच्चा रह जाएगा, और अभ्यास करके मंजिले मंजिल चाल के उन रंगों का रूप देख ले, यही तो सातो रंग निरख दाजा हो जा पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी। ये रंग नीचे के जो ऊपर के रंगों पूछ जाएगा तो फिर तने पता लग जाएगा, ये नौ प्रकार के रंग जो शब्द से न इनकी नौ प्रकार की धुनी और नौ प्रकार के रंग वह नीचे के, और दसवां जो शब्द से न शिवजी भी उसी का वर्णन करता, हे पार्वती वो शब्द विदेश है और वो शब्द इनकी ज्ञान है। पर आप प्रश्न कर सकते हो तो शिवजी वर्णन करता है तो फिर शिवजी के तुम कहते हो जन्म लेता बार बार, ये तो सतगुरु को नहीं मिला ने आपको, क्यों कि वो तो मन क्या पता पूछ लो उसी को, सतगुरु मिल जाता तो काम लकड़ जाता। उनका तो सतगुरु का बाप ही था, उन नारी ने ड्यूटी दे के चक्कर में फंसा गया। कौन था उनका बाप? काल महाराज। और तीनों ड्यूटी दे गया तो अपना अपना काम करो, वो अपना अपना काम में लग गया। इसीलिए आर्य समाज कहते तीन चीज अमर, जीव ईश्वर प्रकृति। हम कहते हैं एक चीज अमर है क्या? शब्द, और शब्द ही सबकी जान है। न घने तत्व, एक ही तत्व सर, एक ही शरीर से, एक ही चीज सारा सब को एक शब्द से। और न मानते हो तो गुरु नानक साहब पूर्ण पुरुष थे, वह कहते शब्द ही धरती, शब्द ही आकाश, शब्द ही शब्द भया प्रकाश, सगड़ी सृष्टि शब्द के पास है, नानक शब्द घटे घटा से। क्या स्वामी जी पूर्ण पुरुष नहीं थे? वह भी कहते शब्द ने रची त्रिलोक की सारी, शब्द से माया फैली भारी, शब्द ने सात दीप नौखंड किएरी, शब्द चांद और सूरज भयेरी, शब्द ने अलग खदम किएरी। गरीब दास जी जितने कहता सारा है शब्द से, मर शब्द शब्दम भेद और शब्द शब्दम भाव, सो सतगुरु बंद ये जो शब्द बतावे दाव। कि वो शब्द से नो विदे शब्द, वो सारी दुनिया जान। कबीर साहब नहीं कही जाप मरे अजपा मरे अनद भी मर जा, सुर समानी शब्द में ताए काल नहीं का, वो कौन सा शब्द से? कबीर साहब के हिल मिल खेल लू शब्द में, अंतर रही न रेख, समझो का मत एक और क्या पंडित क्या शेख। इले में आप लोगों को सच शब्द की महिमा स्वामी जी क्या आई वो वर्ण करता हूं, और मैंने बता वो उनकी मर्जी जा कया उसा मैंने बता दिया। बड़े ये बताता हूं कि सारी जिंदगी का सारी दुनिया का राज मिल जाओ भी यहां रहना से, सारी दुनिया का सुख मिल जाओ भी यहां रहना से, सारी दुनिया का जेवर मिलो भी रहना सूरे, सारी दुनिया रूप मिल जात क्या करो घड़े बर्बाद हो गए, समझ गया। इसलिए सबसे बड़ा जो रूप तुम ले लिया तो तिर जाओ कौन सा के शब्द का रूप, और शब्द को समझ गए तो जीवन सफल हो गया। वो ही सतगुरु से, शब्द ही गुरु से, शब्द ही चेला से, समझानी गरीबदास शब्द गुरु से चेला संतों दिया इला। उस शब्द गुरु को पहचान लिया, पहचान लोग जाप करते शब्द स्वरूपी राम, उनका वह धुनी कहाँ की से? वह शब्द स्वरूपी राम की धुनी कहाँ की? वह कई शब्द में नहीं है। राधा स्वामी नाम वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में सब में। मैंने एक दिन गरुड़ पुराण सुनी के उसमें सोलह अध्याय में के तीन चार बार स्वामी जी आए, स्वामी नाम आ रही है, सबका करता सबसे बड़ा और सबका मालिक है, उस तो सब बढ़िया है। इले मेरे तसली के राधा स्वामी नाम यही महात्म पुराण में, परम पुराण, पद्म पुराण मेरी सुनी जा तो बता देता हूं, और वेदों में तो बार बार ही स्वामी स्वामी लिखा से। मेरे विरोध में एक बार दस दल जलसा है, एक सत्संगी नारायण की करे एक भाई ने के राधा स्वामी नाम बनावटी है। मैंने उनको कहा क्या आपने भी तो लिख रहा क्या बनावटी? बोले हमने क्या लिखा, मेरे महाराज साथ में जिनका घर चले गए, महाराज की कोई किताब थी वाले आने लिए। मैं दो तीन बार कही भाई रे तेरा मैंने तू तसल्ली कर दो मिल जा तो अच्छी से, ये क्या ही करा तो दूसरी किस्म मस्त मानस है किसकी परवाह करे। तो उन्हें क्या करा हम चले गए, बोला राधा स्वामी क्या होया? हाँ बोला उदन तुम गए थे, उदन तुम्हारे बुढ़िया माता ने बता दिया था, आज मैं तो बता नहीं सकता ने। कौन बुढ़िया ने? माँ तेरी वह काकी ला गई थी, मेरी दादी थी, और उसने बताया जाकिन उस मारे बुढ़िया माता थी वह दादी पुल्ली कहा करते थे।
कर सीधे मन तो सीधे बोलेंगे बेचारे। वो कहूसा हाथ पर लिखवा रहा क्या राधा स्वामी, वो कहना क्या राधा स्वामी है, क्या बकवाद करते रहो पागल हो रहा बदमाश रे चोर है राधा न्यू थूक चट्टे रिये। वाह बोली तेरा बाप का गोला तू के बुझे यो रो तेरी माँ को खसम राधा स्वामी आगा हटाने तो इस मर्द से तु तू रे रह गो। बताइयो ने बोला मूर्ख तो कुड़ पारा मांडे। मनु को कहा मूर्ख ने आपने भी तो राधा स्वामी कहा से। बोला किस तरह माप का कह हमने राधा लगा दिया तमने स्वामी कह दिया कोई बात तो गड़बड़ को नहीं ने। किस तरह मा दे तेरी बाणी के सुक्रम कोई ना किया कुक्रम किया पार स्वामी तेरा असरार करियो बेड़ा पार। वो स्वामी कौन सा ये हमने बता दे जो बेड़ा पार करने वाला। बोला सारी दुनिया करता तो मारा नहीं हो सकता वो स्वामी। बोला तुम तो मानस का नाम ले ये गलत बात है। ओम तो मानसा नाम भी से राम मानसों का नाम कृष्ण मानसा ना। हमारा भाव तो नहीं मानसों पर है, हमारा भाव तो सब के ऊपर से उस मालिक के ऊपर से उस करतूत के ऊपर से जिन्हें शब्द की कमाई की उसके ऊपर हमारा भाव है। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि संत मत एक निखालस कलाकंद और मिश्री करनी का मार्ग बातों का मार्ग नहीं है। मैंने इतनी बातें कही मैंने सीख की आता न करता मेरे को महाराज ने कहा था मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा। ये शौरलाल की बातें स्वामी अधूर महाराज की और ये फकीर की बातें थी। मैंने नहीं पता ने मेरा क्या कहता और क्या नहीं कहता। अगर भीख मंगाई तो मेरा के घट जाए रात दिवाई तो मेरी कौन बढ़ाई सारा उनका बुरा भला जो कुछ होता। इले आगे के कहते हैं शब्द भेद और शब्द कमाई जिन जिनकी निसार ली सबदरता सतगुरु पहचानो हम ये पूरा पता दे खोल लो आंख निकट ही देखो अब क्या खोल लू खोल के। कहते स्वामी जी शब्दरता गुरु पहचानो हम ये पूरा पता हम आपको पूरा पता दे दिया। शब्दरता जो ब्रह्म में लीन होता उसको ब्रह्म लीन महात्मा कहते हैं और जो शब्द में लीन होता है उसको शब्दरता सतगुरु कहते हैं। जो शब्द की कमाई करता और मंजिली में पूजा शब्दरता सतगुरु से। इसलिए शब्दरता सत मिल जाए तो फिर लेखा कौन सा निमट गया सा काम बन जाता है। क्या आप लोग सारे जानते हो कितनी संगत सर कितने आते हो क्या आपने कभी ये देखा कितना सारी दुनिया में गुरु डम चलिया से कितने करते हैं। मन में उन गुरुओं को बंदगी करता हूं जो आप मर गया बेटे ने गद्दी दे गया बेटा मर गया अपने बेटे ने गद्दी दे गया। अब उनको गुरु कहोगे रजवाड़े को राजपूतों के कमर कया करो बुरा माने तो मेरा क्या लेगा मैं बुरे तो तागर लकड़ रहा हूं न मैं बुरा मानता रे मनवामता मेरी तो चार पीढ़ी मैंने देख ली न उन्हें बेटे पोते स्वामी जी ने अपने परिवार को गद्दी नहीं दी ने उसका परिवार आड़े थे घने और हजूर महाराज ने अपने परिवार को गद्दी नहीं दी आपको क्यों उनके परिवार ने डेरा बना ये तो भूख को अपनी डेरा बना लेते बना लिया उनने। हजूर महाराज तो ये लिखे हंसी गुरु तर बंसी गुरु तर जीव का उद्धार नहीं होगा। आप बताइए हजूर महाराज के घर में गद्दी आड़े बैठे रहो क्या बात हुई। अंशी गुरु किसको कहते बंसी किसको कहते। अंशी गुरु उसको कह जिस अंश में पैदा हो गया और बंसी उसने कहते बंसावली गुरु चले आते हैं। इसीलिए उन तो कल्याण तो किस तो होगा। हजूर महाराज कहते कि हंस गुरु तर संत गुरु तर जीव का उद्धार होगा। और स्वामी हजूर स्वामी जी महाराज के गुरमुख चेला हजूर महाराज थे और हजूर महाराज के दो चेले थे गुरमुख। गुरमुख बताता हूं को प्रसन्न करना चाह हजूर मार के घने चेले थे मगर मैं गुरमुख कल मेरा मौका लगा फिर बताऊंगा कि जितने संत है उनके एक एक गुरमुख होया से और वो गुरमुख वो है जिन्हें राधा स्वामी नाम बताया गया और नाम बताए गुरमुख नहीं माने गए। गुरमुख वो होता जो धार आयु मजला का असली नाम बताया। तो स्वामी जी महाराज शालिग्राम शालिग्राम महाराज दो गुरमुख थे एक तो महर्षि शौवरलाल और एक महाराज ब्रह्म शंकर महाराज दो स्वामी बाग की गद्दी का गुरु तीसरा समझ गए होगे। और हजूर महाराज शौवरलाल महाराज के जो गुरमुख पहला मैं मानता हूं ये नहीं कहता मैं अपने गुरु की बातें करता हूं कि फकीर जैसा गुरु गुरमुख ने मिला न मिल सकता। मैं मत्था झुकाता हूं फकीर की गुरमुखता को और सच्चा और मेरे गुरु महाराज उनके शिष्य थे।
मेरे गुरु महाराज तो जुई तो बार नहीं लकड़े, जुई तो बार लकड़ा मतलब समझ लेना के सत्संग गामा नु चले गए, कोई बात बार विदेश में और किते नहीं गए न, और सब गुरु विदेश में। स्वामी जी महाराज आगरे तबार नहीं लकड़े, तो मेरे गुरु महाराज आगरे तबार नहीं लकड़े, ना जुई तबार नहीं लकड़े। महाराज परम दयाल पिंड फकीर चंद तो बार मुल्कों में गया खूब, इसीलिए बताता हूं वो आग जुई तबार नहीं लकड़े न। और मैं उनका नाम लिया, मैं 16 बार जा लिया अमरीका कनेडा सब जगह जाता इंग्लैंड में 16 दफा जा लिया। उनका है प्रताप से, मेरा तो कोई प्रताप है नहीं ने। बड़ मैं आप कागे बातें कहता हूं, मैं एक रोब तो क्यों कहता हूं कि मेरा एक नेम है कई जनों का कि मैं 6 घंटे अपना सुमन तो दाढ़ी बंदा कर लेता हूं, 6 घंटे सुमन कर लेता हूं, अपना रण तार लेता हूं। और वो है रण में पहली बता गया, उसमें जो एक साधन बन जाता फिर वो साधन बनता रहता है। मेरे पास में आया भाई नेगी साहब और मास्टर बैठे थे, वो कहने लगे हम साधन करके ये कराए वह करा धोरे बैठ के। मैं बोला मन तो साधन कर लिया, मेरा तो एक काम है। बोला बताइए मां, आपने साधन करना है और मने ड्यूटी बजानी से। मैं तो ड्यूटी बजाना आसू काम करना और साधन करने को नहीं आया न, समझ गया तम आए सो अभ्यास करने के लिए, अभ्यास करो मैं बता मैं दूंगा, कोई गड़बड़ होगी तो मेरा काम सब बताने का। इसीलिए मैं कोई पीर नहीं, मैं कोई घमंड की बातें नहीं कहता ने, आप लोग सीधी कहता हूं। इन संतों का मारेगी ऐसा से तो मेरे गुरु महाराज के सस्कुण थे बड़े फकीर चंद, न वो अपने बेटन गए, अपने परिवार का भी मेम्बर को नहीं बनाया उसने, ट्रस्टी नहीं बनाया। ये पुराने ट्रस्टी बैठे, ये बैठा जोड़ा साहब और नंद, ये कई बैठे से जाने उनका लड़का बैठा सब रहे, उन्हें कोई अपना परिवार का भी ट्रस्टी नहीं बनाया ने। मतलब क्या मेरे महाराज ने भी कुछ नहीं कहा, मेरे महाराज भी अपना कोई नहीं बना रहा, मन ने भी मेरे परिवार का कोई मेम्बर ट्रस्टी नहीं बना रखा, क्यों कोई नहीं बना। मैं संगत के बीच में कह देता हूं, शर्म आएगी तो अपना ऐप छोड़ देंगे कि मैं तो मेरे परिवार ना कहीं पानी भी नहीं पीता ने। आपका क्यों कि मेरे को मेरे गुरु ने परण कराया, जो शराब पीता उसका घर की रोटी खागा तो तन गौबर का पाप लगेगा। मैंने कहा था अगर धोखा हो जा तो बिना बेरे खा लू तो बोला वो आगला लागेगा और आगला डूबेगा। ये मेरे गुरु का वचन था, इसलिए मैंने पता लग जा कि ये घर में शराब पी जाती है, मैं उसका घर का पानी नहीं पीना चाहता ना। मेरे बस की बात नहीं रिया, मेरा पर्सन ही चल गया तो तुम भी सुन लो। आर्य धर्म का नेम भी यही से कि आर्य धर्म उसको कहते हैं जो शराब नहीं पीता, वो आर्य है। और शराब पीता नो नास्ती कर गिरा हुआ से। अगर तुम तैरना चाहते हो दो ही मेरे नेम डबल से ब्रह्मचर्या पालन करो और शराबा कबाबा तो बचो, फिर माँ बाप की सेवा तो आप कर लेगा। और फिर साधन अभ्यास का नहीं बने तो मेरे पास जाना, मेरे पास जाना, मैंने पूछना नहीं तो गेर की नीचे मेरी मूछ पाट लेना। ये मैं कितना बेधड़ कोई कहता हूं, शराब नहीं पी और मांस नहीं खा, चोरी जा रही बचकी रहो और अपने घर में ठीक ठाक रहो, फिर वो साधन ब्या पूरा गुरु से मिल गया ब्याह ने मेरे पास जाना और थारी मर्जी उस तरह कर लेना। मर मैं कहता हूं बनता उसका अभ्यास, उसका बढ़िया बना से रोकने वाली ये चीज से और रोक ही नहीं सकता अभ्यास न कोई भी। इले मैं आपको बताया, फिर कहते खोल लो आंख निकट ही देखो। कौन सी आंख खोलो? कबीर साहब की बाणी आती, आंख न मुंदू कान न रुंदू काया कष्ट धारू, खुल ले आंखी हंस देखो सुंदर रूप निहारू। के मैं खुल ले आंखी हंस देखो सुंदर रूप निहारू, कौन सी खोलिया इन आंखों ते। मर क्या वोट पड़ते घने वोट पड़ते वो जीत जाता है, मैं भी चक्कर में छह कई दिनों लग रहे आता, खुल लिया क्यों ध्यान 6-6 घंटे कराया करता था और कुछ नहीं बना। एक दिन मैं उठा तो देखा तो सारा रोशनी फिर गई, मैं घबरा गया, तेरे बीमारी तो नहीं होगी कुछ, मेरे याद आ गई तो कई कई बार कराया वो साधन सही हो। मर उस साधन में 2 बीमारियां हैं सत्संगियों, और मेरे पास पूछ लेना सब ने पता से 2 बीमारी कौन सी है, या तो कामी बनेगा या क्रोधी बन जाएगा। और क्रोध बन के दूसरे ने बुरा भला भी बोल दिया, शांति नहीं आओगी खुल लिया क्यों का दांत।
को बोलना था बोल लेना, मेरा तजर्बा बताया सबने। और खुली आंखों ध्यान करने वाले वास्तव गुम हो जाते हैं, क्यों कबीर साहब की वाणी से क्या कहते कर आजा सतगुरु नैनन में और नैन झांक में लू ना मैं देखो और को ना तो ये देखन दू। कौन सी बात मानो पलड़ी की बाड़ी और फिर के कहता नैनन की कर कोठड़ी पुतली पिलंग बिछा पलकों की चक डाल कर प्रीतम को ले रे जा, वो प्रीतम तुम्हारा अंदर बैठा है। फिर क्या कहते कबीर साहब आंख कान मुख बंद कराओ तब देखो गुलजारा है कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। और ये नितान जी कहते हैं धर धर बीन चश्म को फेरो जगमग जोत जरी है कहीं गुपत किसी से प्रगट सब घट वस्तु भरी है। अब यो एक ही शब्द उस शब्द की बात तो कह देते हैं, उस शब्द में ये भी कहा शब्द निरंतर मनवा राचा मलिन वासना त्यागी। अब शब्द का तो पता ही नहीं, इन्हें बात खुलिया देखते रहे वह मलिन वासना की जागी कते दूर नहीं होगी न। जब तक शब्द की ध्वनि नहीं सुनेगी इतने मलिन वासना कभी जाए नहीं सकती न। स्वामी जी खुद कहते शब्द धुन सुन के मनपति आई, जैसे सपेला सांप को पकड़ता बीण का लहरा सुना के, इसी तरह अंतर का लहरा सुन के न, और मन सांप है इस शरीर बम्बी है और वो काबू में आ जाता और तरह आता ही नहीं न। आपको किस तरह के दान करना तो राजा नर्ग भी कह भी आ जाना मुठ्ठी में, यगो तो उन्दा तो बताइए राजा बलि ने कितनी यज्ञ करी, अगर वो भक्ति तो तपता उन्दा तो बताइए किसकी मशाल दूं अगस्त मुनि की कितनी कर ले, या वो कौन था जो धुंध ऋषि कह दी से उसको सुन देख ले आए, और किसी कह दूं कि जिसको 88,000 वर्ष तप करया दुर्व्यासा ऋषि की सुन ले, विश्वामित्र ने उर्वशी ने बिगाड़ दिया काम न्यारा सुर्ग बना लिया था। इले शब्द की कमाई बिना सारा जग अंधा से, और शब्द की कमाई ते फंदा कटता और कोई कट नहीं सकता ने, आखिरी शब्द धुन सुन के मन काबू में आ सकता है। जब अच्छा महात्मा कोई मिल जा तो ये उर्ला में का खंडन नहीं करता, इनमें मिलती है ताकत रिदिया सिद्धिया और करामाते मिल जाती है, मगर असलियत तो सहने वा शब्द की कमाई से, और शब्द की कमाई न घर छोड़ना पड़ता न बच्चे छोड़ने पड़ते न नौकरी छोड़नी पड़ती कुछ नहीं तो भेड़े कर्म छोड़ने पड़ते। आपको वह किस तरह के अच्छी तरह तुमने सुना नहीं संतों की औलाद किस तरह होती है, वह किस तरह जीवन बिताते के सारी जिंदगी बिता दे गृहस्थी धर्म सबसे बड़ा से इससे बड़ा और कोई नहीं। इसलिए खोल लो आंख निकट ही देखो, स्वामी जी कहते ये लोग तो एक दो बातों ने पकड़ के न्यारे न्यारे पंथ बना लिए। एक कबीर साहब के लाइन वाले कहते हैं कि स्वामी जी ने लिखा खोलो आंख निकट ही देखो, ये तो एक लाइन पकड़ ली स्वामी जी की और नहीं पकड़ी ने। स्वामी जी ने ये कहा क्यों फिर भटकता बनमर तू देख उल्ट की मन में तेरे भीतर बसता धनी तिल का वो लपाड़ खड़ा चादर खूब तनी कि वो धनी नहीं देखा जाता। तुम तो एक बात पकड़ ली, कोई कहता पांच नाम का सुमरण करो शाम क्षेत्र में सूर्य धरो के सुमरण बता, स्वामी ने और नहीं बता के। स्वामी जी ने तो कह रहा क्या क्या बता दिया, मैं राधा स्वामी नाम तो नहीं बता इनको किसे को भी, राधा स्वामी नाम धुनात्म नाम है कुल मालिक का निज नाम है। इसीलिए कहते खोल लो आंख निकट ही देखो, और क्या कहूं खोल कही के और क्या कहूं खोलना मन बतेरा कही और क्या कहूं। आगे के कहते आगे भाग तुम्हारा प्यारी नहीं परखो तो जून रही कहना था सोई के डाल्या राधा स्वामी खूब कही आगे भाग तुम्हारा सजनी। यही बात में एक महात्मा सत्संग सुना वो कहा करते थे कि भाई उस जगह तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा, मैं तो कह दूंगा बतेरा रुक्का मारा को ना मान तो मैं के करूं। ये आगे भाग तुम्हारा सजना परखो तो जून रही फिर चक्कर काटते रहो बार बार कितने चक्कर काट 184 जिया जून में। और ये इतना भारी अच्छा मौका मिला हसे कि इसी जिंदगी में अगर अच्छा काम कर गए तो कर गए, अगर यो टेम लकड़ गया तो रामायणा भी कहता के बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सुद ग्रंथन गावा, इब का चूके पीछे नहीं ठिकाना दिन पर दिन चोला होए पुराना।
के चोला दन दन पुराना हंदा जा रहा से फिर क्या करोगे, कोई कितने दिन में चला जाता कोई कितने दिन में चला जाता है, और ये मामूली सी जिंदगी में खोटे घड़के चले जाते हैं, ये पता नहीं ना तेरे शेती के चलेगा। हमारे शेती चलने वाला तो क्या है, सतगुरु का नाम और सतगुरु इस और कुछ नहीं चलने वाला। ये सारा बंदोबस्त सारा टंबर उरे रह जाएगा, इसलिए अगर थारी मर्जी तुम ना कि मैं करो ना मानो तो, मैं तो स्वामी जी महाराज की वाणी के ऊपर बताया, स्वामी जी महाराज का भाव के थो मन पता नहीं, मैं मेरा भाव बताया। इसीलिए खोलो आंख निकट ही देखो, कितना निकट देखो, तुमने सुना नहीं कि वस्तु कहीं खोजे कहीं किस पे दाव हाथ, कह कबीर तब पाइर भेदी लीजिए साथ, जब भेदी ली न साथ दीनी वस्तु लखा, कोट जलम का पंथर पल में पूछा जा, को करोड़ जलम तुम्हारे बीत गए, तप तप पूजा पाठ होम यज्ञ तीर्थ व्रत करते करते, और पांडा नहीं छुटा ने पूर्ण सतगुरु बताया के कोट जलमों का पंथर पल में पूछा जा, पल में पूछ गया। उसको क्या कहा कबीर ने के पलक मारन की देरी सुबह न कुदरत तेरी, के तो पलक मारन की देरी सुबह न कुदरत तेरी, इसलिए सतगुरु खोजो प्रचार, सतगुरु खोजो ये प्यारी जग में दुर्लभ रतन यही। के मैं आप लोगों को रतन की बात भी कर गया, तुम कहा करते आप उस अमृत पी कर की जी जाते, इसके 14 रतन लकड़े, उनमें सबसे बड़ा रतन क्या था, अमृत अमी का घड़ा, और वह पीने वाले की मृत्यु ही बता दी, जुग पर जुग बदले जी मर, जिसने यो अमृत पी लिया राम नाम का अमृत पी लिया वो जुग जुग जीवेगा, अरो मरता ही नहीं। कबीर साहब कहते हम क्यों मरा, मरो मरने हारा हमने मिला जीवावनाला, के मरो को और को हम क्यों मरा, इसीलिए जिन्हों राम नाम का मंत्र मिल गया और आज सुन दयाल का नाम मिल गया, वो धुनी मिल गई अंतर की, राम कहते रमे हुए को, जिन्हों पता लग गया वो क्यों मरेगा फिर, इसीलिए जो मरे सर जिन दंड भोगे सर दुख भोगे उनकी पूजा करोगे तुम भी आओ जाओगे। जिसने बंदे को बंदा मिले छुटे कौन उपा, सेवा कर निर्बंध की पल में ले छुटा, जब बंदे से आकार माया के चक्कर में पड़े इसे जलम मरण में फंसे इसे, वह बताओ वह तुमने किस तरह छुटाओगे, इसीलिए उन निर्बंध की सेवा करी तो छुट जाओगे। इले मेरे महाराज जी निर्बंध थे, कोई कहने वाला अगर ये का बंधन ना कति नहीं, मैंने एक दिन कह दिया महाराज जी आप नाम सेवा पूजा देते और आप ले जाते हो और उनको देते का मेरा कर्जा मांगते पिछले जन्म का, मैं अपना तारता हूं, मैं कभी जकरा नहीं करया नहीं। और कौन है इतनी उम्र का संत, मैं अपने गुरु की विषय घमंड बात करता हूं, कोई किसे तरह मरिया कोई किसे 3 दिन पहले ही बता दिया कि मैं फलाने दिन चोला छोड़ दूंगा, और वो मानस अब भी 2-4 तो जिंदे हैं, 2-1 चले गए। तो इसीलिए मैं कहता हूं मेरा महाराज का अर्दागर मैं दुखी होके मरूं, फकीर भी ये कहा करता मैं दुखी होके मेरे फोटो पर पेशाब करना, मेरे गुरु महाराज की भी यही बात थी। ए सत्संगियो आगे पता नहीं क्या होगा और क्या नहीं होगा ने, मैं तो वो बातें बता रहा आप लोगों ने कि संत सतगुरु ना अपनी पीढ़ी को गद्दी देते ना अपने नजदीक वो तो जिसको देते न करनी वाले को बख्शते हैं। स्वामी जी महाराज के शिष्य हजूर महाराज के शिष्य महर्षि शबरलाल महाराज ब्रह्म शंकर और शबरलाल महाराज के शिष्य पंडित फकीर चंद परम दयाल, मैंने एक दिन प्रश्न कर दिया उनके साथ में कि आप परम दयाल गुरु तेरा दयाल और तो आप परम दयाल, आज लगी न जोड़ा साहब ने प्रश्न करा उन तन ननसेर न उनका पुत्र कहता वो बैठा उन न करया, मन मेरे बस की बात नहीं थी न मन कहा, मेरे बातें एक खास से चलते जी ने बीच रही, बोला क्यों कि मेरे जी ने ये बीच रही से गुरु तो दयाल और आप परम दयाल, बोला बेटा शांति कर सत्संग सुन ले फिर पता लग जाएगा। मैं सत्संग करके चले उसके कमरे में जाई मत्था टीका के पता लग गया, चाहे वो बात होए ना, बोला क्या लग्या कि वाकई आप परम दयाल सो। उनका तने किस तरह समझा कि मैंने ये समझा कि गुरु गद्दी पर बैठ सत्संग करते हैं तो अपने पाठक ने बैठे दूसरे को नहीं बैठेंगे अपने स्टेज पर,
न सोवर लाल ने कोई बैठन दिया, न हजूर महाराज ने बैठन दिया, न स्वामी जी ने बैठन दिया, न आगर ब्याह कोई को नहीं बैठन देने। और आपका दौर तो कोई कितने बैठे, चेलिया के चेले आपके चेले बिठा लिए, उन्होंने पूजा भी देते हो। इसीलिए परम दयाल का यही एक से। और दूसरे परम दयालता में यह समझा लोग चक्कर में डालते हैं कि एक चमत्कार भी अगर कोई कर दे तो उनके इकबाल काटते, आपके हजारों चमत्कार देख लिए। उसका आप ये नहीं कहते मैंने कराया, आप कहते मैं नहीं कराया। वह बातें मैं भी ये बातें बताई कि तो अपने अपनी प्रारब्ध की बातें होती है। इन चमत्कारों को नोट करना शुरू कर दे तो क्या होया, बड़ाई में फूल जाएगा। केरा कितने सतगुरु मदद करते, कितने का पार तारते, कितने की नौका पार करते, समझ गए। इसीलिए वो दयाल होते हैं। तो मैंने महाराज को कहा, ने बोला चलो अच्छा समझ जा तू कुछ। तो आपने निर्णय करके बता दिया कि सतगुरु क्या होता और गुरु क्या होता, और मैं भी उनके शरण में जाके नितर गया। मेरे गुरु महाराज बड़ा साधन करा, बड़ा अभ्यास कराया, मगर कई भ्रम थे न वो उठे जाके मेरे दूर हुए। मगर आज उनके अनुयायियों का ढंग देखता हूं तो मैं घबरा जाते, मालिक आप परम संत है, क्या ये काम किया? मैं भी आपकी मदद करना चाहूं था, आके किस तरह सुधरना, में क्या होया। इसीलिए मैं बोलता है सत्संगियों है प्रेमियों, दो किस्म के गुरु आते, गद्दी का गुरु एक करणी का गुरु। गद्दी का गुरु आता रुखाड़ी करने के लिए, और करणी का गुरु आता अनु जीवन लेने के लिए। उन्हें करणी करके आता है, उसने डेरे कोई बनो, उसने किसी का परवाह नहीं होती। मगर आज तो दूसरा ढांचा बनया पड़ा फिरया से कि क्या क्या बताऊं, कंदियाणी भी मन ने भी लाज सी आवस। इसीलिए कि गुरु घणेसर चेले थोड़े से, मैं गुरु नहीं बनया, मैं तो अपने गुरु की ड्यूटी बजाता हूँ, उसका हुक्म था वो पूरा करता हूँ। इसलिए मैं एक सब क्या टाइम हो गया, पौने दो हो गए, मैं आपको पौने दो घंटे सत्संग कर दी, दो एक कर दू। हाँ आए? आए? पुणे तीन हो गए, मैं के करूं भाई, तो पुणे तीन हो गए तो मैं के करूं, मैं तो आए? मेरे बस की बात तो को थी ना, एक शब्द और सुना फिर देख लेंगे। कर्ण सुनन से न्यारा हो
आपने एक शब्द भी सुना दिया, इतनी बार सत्संग कर दिया। अब मैं एक खुशी की बात भी सुनाऊंगा कि यहाँ हमारे रतिराम चाचा साधुराम भाई राजी माधोर चिंता ही कर रहे थे, क्या कि भीड़ी जगह तो जगह और भी एक मास्टर का प्लाट था, होलदार का था, एक रामकृष्णा ये प्लाट भी मिलावने कह दी मैं, और एक प्लाट मांगे राम का था, एक प्लाट राजीव राजू का था गांटुकते, और एक प्लाट आनंदर का था हजार गज का, और एक और प्लाट सो हमारे मैं तो पप्पू कया करूँ सू जो माधौर की भाणजी व्या रखी से। ये प्लाट उन सब ने मेरा कह दिया कि आश्रम में ला लो, प्रबंध मालिक आप ही कर दे से, और फिर से ये आश्रम और भी लंबा चौड़ा हो जा। उनका कितना करोगे देख लो, कई किले लेने पड़ेंगे। तो ये उनने कह आरदी मनु सुनाई से वो न्यू कह देंगे ना कि महाराज को नहीं दिया तो श्याम ने मैं न्यू कह दूंगा भाई वो नाइट गे से
कोई नाट जागा उसका नाम ले दूंगा, भी वो नाट लिया सरोरा ना भर रखी सके बेरा मास्टर बरगा कह दे भी मत को दू ने। तो ईसाई होलदार से वो कह दे राम ये कह दे वो तो कोई नट बाणिया नहीं नटिया करे न सेठा दिल तो सेठा है पास है नू तो मारे एक सेठा रकड़ किशोरी लाल बैठा छोरा नू कह बोला कर लो काम माचा पहले सत्संगियान सब कागे बताई नू शाम न बताऊंगा पक्की मारे पूरा आए रोज तक तेरे खिडवाड़ की शेरी सत्संगियों ने बेनती करी से अभी रोज तक आश्रम सत्संग होना चाहिए मन ने तो मंजूर कर लिया से उनका कार्ड में लिखा वो हम टाल कर दें सुना देंगे 26 तारीख का कर दिया मन ने तो और फिर शाम ने बता दूंगा याद रहेगी तो बूझ लूंगा इन 26 तारीख की दिन का सत्संग की आश्रम की उस जगह पर मैं अच्छा बता दूंगा क्यों संगत तो कल आवेगी आज तो से शाम आवेगी तड़के सत्संग कल का तो नाम दान आले आए हुए से और ये बात से भाई हिसाब तो काम करना गैर हिसाब तो न करना नाम दान आला के लिए भी समझ गए होगे तुम और मैं के बताऊं कोई बात नहीं न पछाएंगे और आए कल भी टेम निकाल दूंगा मैं घबराता नहीं जो टेम भी लिकाड़ दे तर यो भी लिकाड़ कई तो नाम देखी न बाबा सावण सिंह लिखी से डायरी में कि नाम देखी न 15-20 दिन अस्पताल में चले जाए मालिक अस्पताल में न भेजना नाम क्या न कहते जो मंजिलों का भेद नहीं जानता तो नाम नहीं दिया जाता नहीं नाम तो असली मंजिलों का भेद का नाम से नाम ये तो जो जबान तो जपते तो मंत्र है नाम तो सतलोक तो आगे मिलता उन मंजिलों का पता लग जाए सारा तब पता लगे कौन सी मंजिल कौन सी धुनी से जब सतलोक तो आगे पहुंचते जब पता लगता उस तो नीचे नीचे नाम नहीं है तो इसीलिए जो मंजिलों का भेद नहीं बताते तो नाम भी नहीं दिया जाता न मंजिलों का भेद मिल गया तो नाम भी मिल गया उन्हें न कोई बता सकता किसे आगे नाम तो मैं कई नाम ले दिया कितने मज में बता दूं मगर वो मंजिल तो नहीं बता सकता एक आगे इस तरह असली चीज ये कहते नाम बताना नहीं चाहिए न के दूसरे के कर्म लेने पड़ते हैं राधा स्वामी नाम तक कर्म नहीं लेने पड़ेंगे 5 नाम तक कर्म नहीं लेने पड़ेंगे समझ गए ओम सोम तक कर्म नहीं लेने पड़ेंगे समझ गए सतनाम तक कर्म नहीं लेने पड़ेंगे मेरी बातें सुनो या सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूप राम तक कर्म नहीं लेने ये कर्म नहीं ले सकते ने और भी बता देता हूँ कि इन तक कर्म किस तरह लिए जाए तो मंत्र से सोचो मेरी बात को पकड़ के मेरा आगा जाना कह देना कदे मैं धोखे में उन्हें कदे मैं वही फकीर कार इनका नाम बदनाम करता हूं न सीधी बातें बताता ये नाम नहीं है न समझ गए ये तुम करते रहो सारी नाम तो और चीज है उसको बता भी नहीं सकता कोई और जब सतगुरु नाम ले देता है उस उसके कर्म ले लेता शिष्य के और इतने इन नामों को बताता है 5 धुनी ज्योत निरंजन ओंकार आरण सोंग सतनाम ये नाम नहीं है इनके तो कर्म ले नहीं सकता ने ये बता दिया राधा सूर्य कर्म नहीं ले सोम सोम कर्म नहीं ले सकता ने ये बता दिया सतनाम कर्म नहीं ले सकता ने सोचो मैं कितनी बड़ी बात बताई आप लोगों ने ये एक दिन का सत्संग बता दिया आप लोगों ये बता ओम सोंग हंस परम हंस परमात्मा चरण में ये नाम बताइए कर्म नहीं ले सकते ने ये बता दिया कि ओम नमो निमाम रघुवंशनाथम पांडु महाचार चापम ये पढ़ लो कर्म नहीं ले सकता ओम नम शिव आय वो कर्म नहीं ले सकता ओम नम भगवते कर्म नहीं ले सकता ने सोचो मेरी बात झूठे मेरे कान पकड़ना कि न कदे मैं बहक रहा हूं पागल न हो रहा हूं मड़ियन त नामो नाम नहीं वो कर्म नहीं ले सकते कर्म कौन ले सकता कर्म वो ले सकता मजलों का पूरा भेद बता दे और मजलों का पूरा भेद बतांदा आगर राधा धाम लग ले जा और जिस मंजिल कवर के कर्म छिपे सन सतगुरु कर्मों को काटता चलता है ये बात है इसलिए सतगुरु पूरा खोज तेरे भले की कहूं तू तो पिछले की टेक छोड़ तेरे भले क्यों बखत गुरु को खोज और ये स्वामी जी का शब्द था
के सबसे बड़ा रतन क्या से? सतगुरु। सतगुरु खोजो ही प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही। जिन सतगुरु मिलियार उनका लेखा निमड़िया, कि उनका काल का कर्जा चूक जाता। ये मेरी घमंड की बातें न कहना, मैं उन संतों का संग कर अंजम आपको बता दिया, इसीलिए उनकी ड्यूटी थी, इसलिए मैं वो ड्यूटी दे गए थे बता दिया। अब आप लोगों दुखड़ तो ये भी बता देता हूं कि जो नाम लेकर किन मंजिलों का भेद लेकर कि फिर बैकतार शराब पीता मांस खाता, वो कभी नहीं उभरेगा, गिर जाएगा। उस नाम नहीं ले तो अच्छा से, नाम नहीं ले तो अच्छा से। क्यों? नाम लेकर के न कितना पाप चढ़ता, शराब रंडेर मीट खाए तो, और नाम लेकर के न सतगुरु की निंदा सुनना ही पाप लगता। मैं सतगुरु की बातें कही, गुरुओं की बातें नहीं। कंधा ने सतगुरु में खुला बताया, इन मंजिलों का भेद दे, शिष्य के कर्म काट दे, उसका नाम सतगुरु है, मगर वो गिर जाता। इसीलिए नाम जल्दी न करना, नाम लेने की आस्ता आस्ते लो। जैसे गिल साहब बरगे बड़ों की भूखीसों को लिया, नाम ले लो ना सोच के नाम लो। सुना नहीं, गुरु द्रोही मनमुखी नारी पुरुष विचार, ये तो जांगे नरक मर दीवा शशिकार। चांदर सूर्य इतना नरक में रहता, वो जो गुरु का द्रोही और मनमुखी हो जा। अब मैं किस तरह का जो जो मनमुख है उनकी क्या दशा हुई से, जो गुरु की बात को छोड़ करके नाम को मनमर्जी तो नाम बना चला, उनकी क्या दशा हुई से। इसलिए मैं दो एक आधार पर कह देता हूं ये बातें, क्या उनकी दशा और भी बुरी हो जाती है। अपनी ध्वनि को अंतर में सुनाई देती है, उसका नाम बना लेते हैं, समझ गए। एक मानस की मैं नाम लू तो शर्म आती है, उनका कोई नाम नहीं, मेरा नाम तो सब परे का और किते का, और हालत क्या है उन गुरुओं की, को सुन लेगा तो और ख्याल करेगा। मैं इसीलिए सीधा मानस हूं, अपने गुरु की भी कह दिया करो, समझ गए। इसलिए सच्चे सत्संगियों, तुम नाम लेने की कोशिश ना करो, पहले काम करने की कोशिश करो। नाम आस्ता आस्ता ले लेना, पर नाम लेके सुना नहीं, गुरु माथे सूत्र शब्द में होना हो ताको काल घसीट सी रोक सके नहीं को। तो कब सतगुरु सिर पर राखिर चली अज्ञा मां, कह कबीरता दास को तीन लोक बहना, तीन लोक में बह नहीं उसने, चौथा लोक पहुंच जाता। इसलिए बताया सर, कितने की बातें बता, मैं घनी बातें जानता हूं। गुरु द्रोही बचे नहीं, चाहे दुर्व्यासा हो, खंड खंड कर मारसी परमेश्वर की सुन। मनु जी महाराज मनु समर्ति में लिखते हैं कि गुरु द्रोही के गुरु का निंदक जो होता ना, गुरु द्रोही दादर हुई, रामायण कहती है। और वो क्या कहता के गुरु के निंदा सुनिए न कानना, पाप लगे गो घात समाना, के गौ मारे इतना पाप लगता है। गुरु की निंदा, सतगुरु की निंदा सुनना, सतगुरु की निंदा बता, सतलोक तो नीचे का भेद बताओ गुरु है, और छठे चक्कर तो नीचा भेद बताओ दूसरी चीज से, और सतलोक तो आगे का भेद उसका नाम सतगुरु से। वो न तो बुराई मातर न बुराई के काम करता, उसमें काम क्रोध लोभ अहंकार रहता ही नहीं। पांचों चीज, इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा, कबीर कबीर के करो सो दो अपना शरीर, पांचों इंद्री बस कर ता का नाम कबीर। वो पांचों इंद्रियों तागे चला जाओ, उसका नाम कबीर है। इसीलिए मैं सतगुरु की महिमा बताई, पर कोई नू कहेगा ईब कह लो सार फिर के करोगे, भाई ये तो सतगुरु करवाता, मैं तो जानता है कौन ही ना। सत्संग जो वो कराता उसकी ड्यूटी से मैंने पता नहीं ना। अब तीन बज गए होंगे, तीन बज गए, दो घंटे आप लोगों की हाजिरी बजा दी, मैं एक घंटे ही कह के आया था, पर मैं क्या करूं, ढोलकी बजानी है तेज थे, एडी उठी गिर में नाची गया। इसलिए आप लोग भाई जाने वाले हो तो शांति तो जाओ, ठहरने वाले हो तो मेरी इज्जत का ख्याल रखना कि शांति तो रहना, समझ गया। या मेरी बहन और भाई इतना प्यार तो रहना, कोई की चीज फूजा उसको बता देना, और इतना प्यार दिखाना कि नू का लोग हाँ प्यार से, प्यार का मार्ग से। एक बात दूसरे को, शराबी कबा भीतर आ जा शराबी, तो उसको शांति बाहर कर दो, पास देखी जा। शाम का सत्संग अगर भाई साहब आ गए नेगी साहब आए तो वह करेंगे, मैं तो नामदान का टेम से मेरा, इब नामदान आ रहे इनकी बिठा लेंगे,
फिर कोई आवे तो फिर तड़का मौका लग जा, ठीक है ना। अब जो आए उनको ठीक ठाक, ये मेरी ड्यूटी थी, फिर भी मौका लगाऊंगा मैं। और अपने जो सेवा, अपनी सेवा होशियारी तक करना, जो भाइयों किसी को कमरा कमरा ईसा हो तो जरूर भी ख्याल करना हो तो ईसा मानस को दे देना, कोई परेशान न हो। पर कोई बात नहीं, कमरों की कमी से और बन जाएंगे आगाग। जब तुम्हारा ख्याल ईसा तो और भी आगाग बढ़ता चला, जिन भाइयों ने ये इतने पलाट दे दिए तो के कमरे नहीं बनाऊंगे, वह उनका कमरिया की भी लादी से मन लाएगी। राधा स्वामी।